करेंगे और उसके बाद जो है वो आज कुछ हम डिस्कस करेंगे और कुछ भगवद गीता से और अन्य शास्त्रों से भी डिस्कस करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, I'm not afraid of the dark।
जय गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, जो भक्त ऑनलाइन भी हैं और जो भक्त यहाँ भी बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है कि आप हफ्ते में जो है, तनु लोग किधर है बुलाइए, हफ्ते में जो है वो एक दिन जो है समय निकालते हैं कि जो है आप कुछ भगवान के विषय में आध्यात्मिक चर्चा कर सकें। और वास्तव में ये जो समय है, जो हम हफ्ते में हरे कृष्णा, ये जो समय है जो हम हफ्ते में एक दिन का निकालते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि यही आपका वास्तविक समय है। ये जो समय है ये आपने अपने लिए निकाला है, बाकी का समय का तो पता नहीं, वो तो समय आने में पता चलेगा कि ये समय किसके लिए था, है ना। लेकिन ये, हाँ, शास्त्र इस बात की गारंटी देते हैं, ये समय जो हम भगवान के लिए निकालते हैं, वास्तव में ये हमारा समय है, ये हमको हमेशा के लिए जो है वो काम आएगा। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या सुविधा के हिसाब से आप कह सकते हैं कि हम एक सब्जेक्ट बना देते हैं, ना, एक टॉपिक बना देते हैं, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली आज क्या डिस्कस हुआ, ये एग्जैक्टली आज के आध्यात्मिक डिस्कशन का जो है वो एप्लीकेशन पॉइंट क्या होगा, है ना। अगर हमें पता हो तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे जीवन में, और नहीं तो फिर जो है एक्चुअली आध्यात्मिक चीजें ऐसी हैं कि बड़े से बड़े विद्वान लोगों को भी नहीं समझ में आती। एक पुस्तक है ब्रह्म संहिता करके, एक पुस्तक है ब्रह्मा जी ने लिखी है। ब्रह्मा जी मीन्स चीफ इंजीनियर ऑफ दिस इंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के जो मुख्य अभियंता हैं, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड डिजाइन किया है आप कह सकते हैं, ना। सो वो ब्रह्मा जी हैं, तो उन्होंने एक्चुअली पहले भी उन्होंने ब्रह्मांड बनाने का कोशिश किया था, लेकिन वो बना नहीं पाए। तो फिर उन्होंने मेडिटेशन किया और फिर भगवान ने उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का दर्शन कराया, आध्यात्मिक जगत का, और भगवान ने बोला अब ऐसा बनाओ। तो यस, तो उसी तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट, अब कॉपी तो ऐसा नहीं बन सकता ओरिजिनल जैसा, बट हाँ उसी टाइप का बना है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए ये जो है वो एक प्रकार से, इसीलिए भगवत गीता में भगवान बताते भी है ना, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, कि ये जो एक ऐसा श्लोक आता है भगवत गीता के आई थिंक 15वें अध्याय में, है ना, जिसमें कि भगवान बताते हैं कि एक ऐसा पेड़ है जिसके की शाखाएं जो है वो नीचे है, अधो शाखा, और ऊर्ध्व मूलम जड़ ऊपर है। तो ऐसा पेड़ किधर दिखता है, कहने जीवन से वो छाया में, छाया में दिखता है। नदी के किनारे अगर आप जाएं और नदी के किनारे अगर आपको कोई पेड़ दिखाई दे, जैसे मान लीजिए नदी के किनारे कोई पेड़ हो, तो उस पेड़ की छाया देखेंगे वो कैसा दिखेगा, जिसके की जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। सो एक्चुअली इस प्रकार से भगवान क्या बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड जो है वो कॉपी है, और जो ओरिजिनल वर्ल्ड है उसका। लेकिन कोई कहता ठीक है कॉपी है, क्या दिक्कत है, इधर भी तो सब कुछ है ही, बट एक्चुअली इसमें दिक्कत ये है कि छाया हमेशा नहीं होता, रात्रि के समय गायब है ना, तो ये टेम्पररी है। इसलिए आप देखो हर चीज जो है वो हमें टेम्पररी इफेक्ट देती है ना, कोई भी चीज, अपन कितना भी मेहनत करते हो बट है वो एग्जैक्टली टेम्पररी। और हम इस टेम्पररी में रहते हुए इस प्रकार से ढल गए हैं, आप कह सकते हैं इस प्रकार से हमारा माइंडसेट हो गया है कि हमारा सोच, रहने सहने का तरीका, हमारे विचार सब टेम्पररी है, यहाँ तक कि हम स्वयं को भी टेम्पररी मानने लगे हैं, है ना। ऐसा लगता है कि अरे यार क्या है, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, चलो जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद की प्लानिंग तो हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हम भी टेम्पररी हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं कि नहीं, हम टेम्पररी नहीं है। हरे कृष्णा, भगवान कह रहे न तो वाहम जातु नासम न तो नेमे जनाधिपा, है ना, कि अर्जुन ऐसा तो कोई समय ही नहीं था कि ना तो तुम ना ही मैं ना ये राजा कभी भी नष्ट हुए हो या कभी ना रहे हो। हम लोग शाश्वत लोग हैं, बट somehow or other, है ना, उसका कारण तो वो एक अलग थीम है, बट somehow or other हम इधर आए हैं तो हमको याद नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमें कई सारी चीजें नहीं याद रहती है ना, कई सारी चीजें भूल जाते हैं। तो इसीलिए
जो है कहने का मतलब कि हम आज ये डिस्कस करेंगे, आज का जो थीम है ये हम आध्यात्मिक चर्चा के द्वारा जो है हम अपना वही एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन रिवाइव करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, क्या करते हैं? रिवाइव, है ना। हमको कुछ नया लेना नहीं है, we are not going to achieve something, कोई नया चीज नहीं अचीव कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। जो पहले से हमारा था उसी को रिवाइव करते हैं। किस चीज के माध्यम से? ये साधु संघ के माध्यम से। ये जो आप लोगों ने अपने जीवन का ये कीमती हैं, एक घंटा दो घंटा जो भी निकाला है, इसके माध्यम से असंग है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुन है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। ये शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि भगवान से ये जो संबंध है, प्रेम का जो संबंध है हमारा, वास्तव में ये कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो कहीं से खरीद के लाया जा सके या कहीं से विकसित किया जा सके, नहीं। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण आदि अर्थात भक्ति की जो नौ विधियां होती है, जो कि श्रवण से प्रारंभ होती है, है ना, सुनने से और फिर बोलने से, फिर याद करने से, सेवा करने से जो प्रारंभ होती है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त, हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है और ये प्रकट हो जाता, स्वयं ही प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो थीम कह लीजिए, विषय कह लीजिए, वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि किस प्रकार से हमें सादा जीवन और उच्च विचार। ऐसा तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार, है ना। जैसे कई बार जो है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है अगर हमें कुछ इस प्रकार की बीमारी हो जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो, जैसे जॉन्डिस की बीमारी है ना, तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, तला नहीं खा सकते, भुना नहीं खा सकते, मसाले नहीं खा सकते, हैं, कुछ नहीं खा सकते, बहुत कम चीजें खा सकते हैं। तो डॉक्टर भी बोलता है कि अभी आपको सादा भोजन और उच्च विचार रखना है ना। तो आप विचार जितने भी उच्च रख लीजिए लेकिन भोजन आपको सादा रखना है। तो उसी तरह से ये, लेकिन वैदिक साहित्यों में बार बार इस बात पे बल दिया जाता है कि हम सभी लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग तो सबको समझ में आता है, कोई भी चीज है हाई तो सबको समझ में आता है, लेकिन सिंपल लिविंग क्यों कीर्ति प्रभु, सिंपल लिविंग क्यों प्रभु जी, सादा जीवन क्यों, है ना। इसके पीछे भी साइंस है। एक्चुअली वैदिक साहित्य हमें जितने भी आदेश देते हैं, हरे कृष्ण, जितने भी आदेश देते हैं, वास्तव में अगर आप साधारण एंगल से देखेंगे, साधारण दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा इंपेडिमेंट लगेगा। ऐसा लगेगा अरे यार ये भी करना है क्या, इतना भी करना है क्या, है कि नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना। सादा जीवन, क्या सादा जीवन, सब कुछ सादा सादा, ये इधर आओ, बच्चे भी सब सादे सादे कपड़े पहन के बैठे रहते हैं, है ना। सो लेकिन वास्तव में उसके पीछे एक साइंस होता है, है ना। आप देखिए, अगर इस आदेश के पीछे अगर कोई सबस्टांस ही नहीं होता, कोई तत्व नहीं होता या कोई भारी चीज नहीं होती, तो ये आदेश सदियों के आदेश है, याद रखिए। कोई आज के 100 साल पहले के या 1000 साल पहले के मैन्युफैक्चर्ड आदेश नहीं है, ये सदियों के आदेश हैं। लोग इसको क्यों फॉलो करते हैं? ना जाने, अगर आधुनिक समय का बात करेंगे तो ना जाने कितने सिद्धांत आए और चले गए, ना जाने कितनी पुस्तकें लिखी गईं और खत्म हो गईं। इवन वैसी पुस्तकें जो कई सारे फेमस ऑथर ने लिखी है अभी कोई नहीं पढ़ता, ऐसे कई सारे पुस्तकें हैं कि नहीं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उसमें बहुत फेमस थी, अब लोग नहीं पढ़ते। उससे ज्यादा तो लोग कार्टून वगैरह देख लेते हैं, जो टीवी में आता है ना, पोगो ओगो पोगो, इस तरह से ये देख लेते हैं, आप समझ रहे। लेकिन ये जो वैदिक आदेश है, ये आज भी आपको इसे लाखों लोग मिल जाएंगे पूरे विश्व में या उससे भी ज्यादा, है ना, जो कि इसको समझने का प्रयास करते, फॉलो करने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें कोई सबस्टांस ही नहीं है, इसमें अगर कोई आप कह सकते मैटर ही नहीं है, तो क्यों लोग इतना प्रयास कर रहे फोकट का चीज के लिए? इट शुड हैव बीन रिजेक्टेड। ऐसा कहा जाता है कि आप किसी एक व्यक्ति को हमेशा के लिए मुख बना सकते हो, आप कुछ लोगों को लिए को भी कुछ समय के लिए मुख बना सकते हो, आप सभी लोगों को कुछ समय के लिए मुख बना सकते हो, लेकिन आप सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं मुख बना सकते। लेकिन ये जो वैदिक आदेश है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उसको पालन करते हैं और वो
हमेशा पालन करते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने इस वैदिक आदेश को तथ्य से समझा है वो अपने जीवन पर्यंत पालन करता है। इतिहास में हालांकि हमको वैसी हिस्ट्री पढ़ाई नहीं गई है ना, अब कारण चाहे जो भी हो हम उसके पीछे नहीं डिस्कस करना चाहते, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसे कई बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, ग्रेट अथॉरिटी, जिन्होंने कि अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके और ये आदेश जो है वो स्वीकार किया है। जैसे आप लोगों ने राजा कुलशेखर महाराज का नाम सुना होगा, दक्षिण भारत के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे है ना, और उन्होंने भी आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार किया। उसी तरह से यमुनाचार्य का नाम अगर हमने सुना होगा है? और आपको बताऊं ये जो रंगनाथ जी का मंदिर है, ये इतना बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, अभी तो उसमें कई सारा मतलब बीच में आक्रमणकारियों ने उसको तोड़ा भी, फिर भी अभी भी बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा मंदिर जिस व्यक्ति ने बनाया, ये सब लोग भगवान के भक्त थे, और वो संभव नहीं है अभी के समय में भी ऐसा मंदिर बनाना, बहुत मुश्किल है। क्यों? रंगनाथ ये साउथ इंडिया है। हाँ, अब वो पता, उस मंदिर को बनाने में 90 साल लगे थे, 90 साल लगे थे, और हर 10 साल में उसका एक परकोटा या दरवाजा तैयार होता था। इतना विशाल और भव्य मंदिर है अभी। हाँ, हाँ अभी भी आप जाकर देख सकते, अभी भी भगवान की सेवा, वहां की जो भगवान की सेवा है वो शिष्य संप्रदाय के भक्तों के द्वारा हुई थी, होती है, जिसके की प्रमुख आचार्य कौन है, रामानंद आचार्य। ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, महाजन है ना, महाजन है, बहुत बड़े ग्रेट अथॉरिटी हैं, और इन्होंने ये चाहते तो ये भी आराम से रह सकते थे, जिन चीजों के लिए हम इतना मेहनत करते थे, तो राजा के पास तो ऐसे ही होता है। या फिर अगर आप देखेंगे 400-500 साल पहले की बात देखेंगे तो राम के लिए इधर आता है पश्चिम बंगाल, उसमें बहुत बड़ा मतलब बहुत मुख्य राज्य था, आपसे बहुत बड़ा भी था, मुख्य राज्य था, उधर का राजा का नाम नवाब हुसैन शाह था, उसका जो मुख्यमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे, जो कि उस समय दाबिर खास और सकार मल्लिक के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भी उसको त्याग करके और ये सादा जीवन उच्च विचार को अपनाया। तो अगर कुछ भी नहीं होता, अगर कुछ भी नहीं होता और उन्होंने मान लीजिए समय और अपना भी लिया है, तो उसके बाद वो कंक्लूजन जरूर देते, देखो भाई मैं फंस गया, तुम मत फंसना, है ना, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते उदाहरण के लिए, या फिर चलिए मान ले कि नहीं पब्लिकली नहीं बोलेंगे, भगवान के विषय में लोग नहीं बोलना चाहते, नहीं बोलेंगे, तो खुद ही अपना असंतुष्टि किसी न किसी रूप में जाहिर किए होते। जैसे कि ऐसा बताया जाता है कि गांधी जी के आंदोलन में बहुत बड़ा वकील था, वो लॉयर और बहुत बड़े पैसे वाले लॉयर थे, वो दान दिया करते थे गांधी जी के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। तो एक बार गांधी जी ने उनको कहा कि आप जो है दान देते हो, हमें ये दान तो चाहिए ही, लेकिन हमें आप चाहिए, आप समझ गए ना, वास्तव में गांधी जी ने ये बोला था कि हमें दान नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, आप समझ गए ना, लेकिन हम जो है हम ये बोलते हैं हमें दान भी चाहिए और हमें आप भी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से गांधी जी ने उनको अपने पास बुला लिया, और क्योंकि हरे कृष्णा प्रभु, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यक्ति थे और गांधी जी जो है वो उनका आंदोलन था, लेकिन वो बहुत ही सादा जीवन वो करते थे, है ना, बट हम केवल सादा जीवन बोल रहे हैं, हम विचार उच्च की गारंटी अभी नहीं दे रहे हैं, आप समझ गए ना। तो गांधी जी का जीवन जो था वो सादा जीवन था, जब वो उस जीवन में आए, जब उन्होंने जीवन शैली को अपनाया, आपको पता है वो 1 महीने के अंदर मर गए, दुख तकलीफ से मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सादा जीवन तो अपना लिया लेकिन उनको मजा नहीं आया, समझे ना, जो चीजें उन्होंने जो छोड़ कर आई उससे उनको इतना तकलीफ हुआ कि वो रह नहीं पाए। हालांकि गांधी जी के सम्मान के कारण वो कुछ कह भी नहीं पाए, लेकिन वो रह भी नहीं पाए और फिर रह भी नहीं पाए, समझ गए ना, चले गए। लेकिन इन आचार्यों के जीवन में हम देखते हैं इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, त्यक्त्वा तूर्णम् अशेष मंडल पतिम, मतलब वो लॉयर तो रूप गोस्वामी के सामने कुछ भी नहीं था, वो लॉयर छोड़िए आज का जो सबसे बड़ा आदमी है वो भी रूप गोस्वामी के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी जिस समय रिटायर किए थे पता है उनके पास कितनी धनराशि थी, ऐसा बताते 10 लाख सोने के सिक्के थे, 10 लाख सोने के सिक्के,
त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडल पति को त्याग दिया उन्होंने। कैसे? तूर्णम, जैसे एक श्रेणी सदा तुच्छ वक्त, ऐसे जैसे कोई हम तुच्छ चीज को त्याग देते हैं, है? लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर किसी को कोई उच्ची चीज मिलती है ना, तो फिर वो जो है वो निम्न चीजों को स्वयं ही त्याग देता है। ऐसा नहीं कि ये त्याग के राजघराने से जब वृंदावन गए और वहां वो पेड़ों के नीचे रहते थे, घर भी नहीं है, फिर तो ऐसा नहीं कि वो भी जो है वो बेचारे दुख के कारण शरीर त्याग दिए, नहीं, वो वहां पे रहे और जीवन पर्यंत रहे। और उन्होंने फिर कंक्लूजन भी लिखा, ये जो जीवन दिया ये कंक्लूजन भी दिया कि हे मेरे भाई, मुझे क्या मिला मैं बताता हूँ। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र मूल्यम एकलौल्यम जन्म कोटि सुदुर्लभम। हे मेरे मित्र, यदि कहीं ये कृष्ण भावनामृत आपको मिल जाता हो, मिलता है हमारे इसको IIF में भी मिलता है ना, पूरे विश्व में मिलता है, जहां कहीं भी इस्कॉन का केंद्र है वहां पर ये कृष्ण भावनामृत मिलता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, आप खरीद लो इसको, परचेज दिस, हैं आप, तत्र मूल्यम एकलौल्यम, और आप पैसे की चिंता मत करो, आप खरीद लो, जितना भी महंगा मिलता है खरीद लो, हैं। तो लेकिन इसका मूल्य फिर है क्या? आपको अच्छा पैसे से मिलता है क्या? नहीं, पैसे से नहीं मिलता वास्तव में। तत्र मूल्यम एकलौल्यम, लौल्यम यानी कि डिजायर होना चाहिए इसके लिए, आप समझे, डिजायर होना चाहिए। तो इस्कॉन ऐसी संस्था है, अब आप कहोगे कि अगर हरे कृष्णा अगर हम पे डिजायर ही नहीं है तो हम कैसे खरीदेंगे, तो इसीलिए उस चीज को पहले बताया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। तो जैसे जैसे आप देखते हो ना, अगर कोई फोन जो है वो उसको बिना एडवर्टाइज किए बेचे तो उस काले डब्बे को कौन लेगा? इन बताते इसके अंदर ये है वाईफाई है ना, और 4G है 5G है इस तरह से, हा? तो फिर लोग लेते हैं। उसी प्रकार से जो है हम ये जब भी हम भगवान के विषय में कथा करते हैं तो हम इस कृष्ण भावनामृत के विषय में बताते लोगों को, तो इससे क्या है हमारे अंदर जो है वो ये इच्छा उत्पन्न होती है, जन्म कोटि सुदुर्लभ। क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि खरीद लो, सम ऑर्डर खरीद लो, क्योंकि ये आपको करोड़ों जन्मों में भी नहीं मिलेगा। जन्म कोटि, कोटि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रहे ये आचार्य लोग जो है वो कभी भी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते। ये वही रूप गोस्वामी पाद है जिन्होंने अपनी एक पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि इस पुस्तक के माध्यम से मैं पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का कोशिश कर रहा हूँ, यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, लेकिन मैं श्री भगवान के आदेश से ऐसा कर रहा हूँ। कोई सोच सकता है कि ये तो ज्यादा हो गया, जंगल में रहने वाला साधु सोच रहा है कि पूरे विश्व में प्रचार करेंगे, है ना, ज्यादा हो गया, कोई सोच सकता है। लेकिन जब शिला प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु का कमेंट्री लिया लिखा और वो जब पहली बुक छप के आई तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि दिस बुक इज लॉ बुक फॉर ऑफ इस्कॉन फॉर नेक्स्ट 10,000 years। ये जो किताब है ये इस्कॉन का कानून है अगले 10,000 साल के लिए। ये वही किताब है जो उन्होंने 500 साल पहले वृंदावन के जंगल में लिखी। So who can understand the vision of such sages? उनके बातों में कभी त्रुटि नहीं होती, वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, इसीलिए ये भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे। और आज के समय में भी देखेंगे, हमने पुराने समय का बताया जितना अपने को पता है, बीच के समय का बताया, और भी मैं कम नाम बता रहा हूँ क्योंकि अपना समय कम है, इतने नाम है, इतने ऐसे लोगों के नाम है, एक्चुअली ये हिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए था बट वो नहीं पढ़ा इसलिए हम बता रहे हैं। ऐसे जैसे उसके बाद उस डिसाइपल सक्सेशन में जैसे अगर आप लोग भगवत गीता पढ़े होंगे तो भगवत गीता में जितने भी लोग आते कोई भी साधारण लोग नहीं है उसमें। उस भगवत गीता के जो गुरु शिष्य परंपरा में जितने भी लोग आते, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में हमने बता दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी वो बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे, जमींदार मतलब आज के जैसा जमींदार नहीं, पहले राजा होते थे जमींदार, मतलब ऐसा बताते हैं कि कुछ 14,000 या ऐसा समथिंग सोने के सिक्का उनके पिताजी कलेक्ट करते थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है,
अब फ्रेंड उनके चल उनके लिए 10-12 सेवक रहते थे केवल, है ना, कि कहीं कुछ खाने का मन कर दिया, कुछ दान देने का मन कर दिया, हर तरह का टोली मंडली जो है वो उनके साथ जो सेवा में चलता, रघुनाथ दास गोस्वामी। अब फ्रेंड उन्होंने भी इस जीवन को स्वीकार किया। नरोत्तम दास ठाकुर राजा के बेटे थे, उन्होंने भी इस जीवन को स्वीकार किया। बहुत सारे लोग हैं, भक्ति विनोद ठाकुर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, अंग्रेजों के जमाने में गिनती के ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, उन्होंने भी इस जीवन को स्वीकार किया और वो हमारे मुख्य आचार्य हैं शिला प्रभुपाद। और आज के समय में भी अल्बर्ट फोर्ड जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, है ना, प्रकाश इंडस्ट्री के मालिक हैं, हिंदुजा कंपनी, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, आप समझ गए, बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब कि अगर ये मिथ्या सबस्टांस होता तो ये युगों से सदियों से क्या आज तक चला आता क्या? नहीं, इसमें क्या है ना, समझना पड़ता है, इसीलिए इट रिक्वायर्स सम हाई थिंकिंग। अभी का जो समय है, अभी का जो समय है उसमें क्या है कि हम चीजों को इतना मिक्स कर देते हैं, चीजों को इतना डाइल्यूट कर देते हैं, आप कह सकते हो चीजों को अननेसेसरी चीजों को इतना बढ़ा देते हैं कि ये मुख्य विषय के बारे में हम पे कोई समय ही नहीं रहता। जैसे मैं जब बच्चा था तो मैं एक कहानी, हम लोग को कुछ कहानी की पुस्तक होती थी जिससे कि कुछ शिक्षा प्राप्त हो, तो एक ऐसा उसमें मेंशन होता था, कहानी था कि 5 मिनट में आता हूँ, ऐसा एक व्यक्ति था उसको बच्चा था उसको टालने की आदत थी, 5 मिनट में आता हूँ। तो जो है जैसे मम्मी उठाती थी कि उठ जाओ, हाँ, तो वो बोलता था कि बस 5 मिनट में उठता हूँ, और उठता था बहुत लेट, आधे घंटे 1 घंटे लेट। फिर जो है वो उसको स्कूल जाना होता था, बस 5 मिनट में तैयार होता हूँ, और वो बहुत लेट कर देता था, है ना, टालने की आदत थी। ऐसे रास्ते में जाने लगा तो कहीं पे कोई जो है वो खेल दिखा रहा था, तो वो खड़ा होकर खेल देखने लगा, और दोस्त लोग स्कूल जा रहे, अरे लेट हो रहा है, चलो चलो, तो बस 5 मिनट में आता हूँ, पूरा खेल देखकर आता, है ना। तो ऐसे करके जो है बाद में उसे बहुत भारी नुकसान हो गया ये जो डिले करने के कारण। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमारा गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, और जैसे स्टार्टिंग पॉइंट कोई होता है, मान लीजिए कि हमारा कोई जैसे किसी कार्य को हमने शुरू किया, है ना, और हमको एक ये लक्ष्य पाना है, तो उसके बीच में आप जितने भी डिस्ट्रैक्शंस डालेंगे तो आपका लक्ष्य प्रभावित होगा, होगा कि नहीं। और ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये कोई ऐसा नहीं कि अच्छा तो ये गोल है क्या, मुझे लगा ये आध्यात्मिक जीवन ही डिस्ट्रैक्शन है, पहले वो भी सोच सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल साइंस ही डिस्ट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो अपने को बहुत समझ आता है, कोई सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली ये अल्टीमेट गोल है, ये अपने को पता नहीं, आप समझे ना। क्यों? क्योंकि बाकी की जो चीजें हैं वो टेम्पररी इफेक्ट देने वाली है। आज का हम क्लास इसी से शुरू किए थे, है कि नहीं, कि आप कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी जुगाड़ कर लो, वो क्या इफेक्ट देगा, टेम्पररी, लेकिन हम टेम्पररी नहीं है। दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सबके लोग, इवन हमारा ये बॉडी है ना, हमारे बिलोंगिंग्स, जो लोग जिनके हम टच में हैं, कोई गारंटी नहीं कि ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब इसी जीवन में नहीं होते साथ में, है कि नहीं, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद तो सब कुछ छूट ही जाएगा। क्यों, क्या कहना है बताइए। लेकिन क्योंकि हम इसको, इसीलिए जो भगवान भगवद गीता में ऐसा एक श्लोक है उसमें बताते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं, ये श्लोक है आपका 5वें अध्याय का श्लोक है, 22 नंबर का श्लोक, यही संस्पर्श जान भोगान दुख यो न एवते आदि अंत तुपमते न ते सूरमते बुधा। कि वैसे अब कोई कह सकता है कि देखिए सिंपल लिविंग समझ में आता है, लेकिन क्या व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं करेगा क्या? आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमको एंजॉयमेंट करने से रोक रहे हैं, है ना, या फिर हमको वो दुखी देखना चाहते हैं, है ना, जैसे होता है ना किस चीज को समझते कि ये तो हमको खुश देखना ही नहीं चाहता, ये जितने साधु संत लोग थे तो भी दुखी लोग थे, हैं, और ये चाहते थे कि दुनिया के सभी लोग इन्हीं की तरह दुखी रहें, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऐसा वैदिक आदेश क्यों दिया गया होता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा आदेश क्यों दिया गया होता आनंदमय अभ्यास है कि हम जो है इस तरह से कई सारे वैदिक आदेश हैं जो कि हमारे लिए है ना मृत्यु माँ अमृत गम्य है कि आप जो है अमृत के रास्ते पर जाइए मृत्यु के रास्ते पर मत जाइए। तो वैदिक आदेश तो इससे पता चलता है कि नहीं एक्चुअली हम समझ नहीं पा रहे बट वो इंटेंशन कहीं और ले जाना है आप समझ गए ना। तो इसमें बता रहे हैं कि ये ही संस्पर्श जान होगा जो इंजॉयमेंट हमको सेंसेस के संपर्क में आने से मिलती है। जैसे जीभ है इस जीभ के ऊपर एक रसगुल्ला रखिए है ना तो क्या हुआ कि इंद्रिय का संपर्क में इंद्रिय का ऑब्जेक्ट आया है ना और सारे एंजॉयमेंट ऐसे मिलते हैं। जब नाक में कुछ अच्छा फ्रेग्रेंस जाता है तो अच्छा लगता है हाँ बहुत अच्छी चीज है कि नहीं। तो हम जो भी आप अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हो ये इन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हो। ये पांच इंद्रियां हैं और माइंड भी एक इंद्रिया है क्योंकि भगवान बता रहे मन संस्थानी इंद्रियानी मन भी एक इंद्रिय है। जैसे गाना सुनते हैं तो कान को तो अच्छा लगता ही है और मन भी बड़ा आनंदित होता है कि कम से कम कुछ समय के लिए। लेकिन भगवान कह रहे इसमें एक प्रॉब्लम क्या है आदि अंत तू कौंतेय माय डियर अर्जुना इट इज बिगिनिंग एंड देन देयर इज एंड खत्म हो जाता है ये आप समझ गए ना। जो वस्तु हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत कीमती वस्तु है। जैसे यही बात ऋषभ देव भी अपने जो है अपने पुत्र को जब ऋषभ देव उपदेश दे रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं ऋषभ देव ये बात कह रहे हैं कि तपो दिव्यम पुत्र कान येन सत्वम ए है नायम देहो देह भाजाम कष्टान कामान निगोके तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुधेत यस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतन। कि देखो वो अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि हे पुत्र सुनो इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्त है। ये वो अपने बच्चों को बोल रहे हैं आप लोग बुरा मत मानिएगा जो ऋषभ देव हैं वो अपने पुत्र को बता रहे हैं। और अधिक श्रम करना ये नहीं कहा गया है कि हमको निकम्मा होके बैठ जाना चाहिए आप समझ गए ना। लेकिन हम इतना ज्यादा इंगेज हो गए कि हमको जो है वो हम अपना अल्टीमेट गोल ही भूल गए तो ये जो है वो इस बात से बस रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इंद्रिय वाला सुख है जैसे सोने का सुख है ना सोना मतलब गोल्ड नहीं ये सोने वाला सुख। तो जैसे हो सकता है कि हम बहुत अच्छे गद्दे पे सो लेकिन अगर नींद आ गई बिना गोली खाए हाँ तो नींद आने के बाद जो सुख है हो सकता है कि जैसे कोई जानवर है वो सड़क पे ही सो जाता है या जली हुई राख पे सो जाता है तो सोने के बाद जो आनंद है वो तो दोनों को समान है कि नहीं। उसी तरह से खाने हो सकता है कि हम बहुत डिलीशियस आइटम आए खा लेकिन गाय जो घास खा के वो उतना खुश रहती है। गाय को ऐसा थोड़े ना है कि जो है वो पिज्जा खिलाएंगे तभी वो नहीं तो फिर वो दूध देना कम कर देगी है क्या ऐसा नहीं है। आपने तो पिज्जा खिलाया नहीं था मटर पनीर खिलाते नहीं हो क्या ये दो एक पाव दूध है ना ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज सी सेटिस्फाइड ये जो इंद्रिय हैं वो अलग अलग लोगों के अलग अलग कंडीशन पे तुष्ट होते हैं। तो वो बोल रहे वो तो सारे स्पीसीज ऑफ लाइफ में अवेलेबल है लेकिन ये जो स्पीसीज मनुष्य जीवन है इसमें पर्याप्त बुद्धि दिया गया है इस बात को समझने के लिए कि कब तक हम ये जो है वो टेम्पररी चीजों को स्वीकार करते रहेंगे है ना। जो भी है अपना होना चाहिए परमानेंट होना चाहिए। जैसे देखिए एक्चुअली हम भी यही चाहते हैं। मान लीजिए किसी का किराए का घर हो वो चाहता है कि नहीं अपना घर हो परमानेंट घर हो हर व्यक्ति ये चाहता है ना। उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है फिर छोड़ देता है नौकरी करता छोड़ता है वो चाहता है कि या तो अपना बिजनेस हो या तो फिर सरकारी नौकरी हो है ना। ऐसा एक कहावत है कि जो है वो अगर कोई बिजनेस करता है तो अपना कुछ बिजनेस करना चाहिए ऐसे बताते कि अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको अपने बाप का बिजनेस करना चाहिए मतलब जो खानदानी बिजनेस ऐसा नहीं कि किसी के पास जाके और ऐसा एक ये बताते हैं। और अगर नौकरी करना है तो सरकार का नौकरी करना चाहिए क्यों क्योंकि सरकार ज्यादा छेड़ती नहीं बाहर लोग बहुत काम ले लेंगे। एनीवे जो भी हो तो कहने का हम भी तो परमानेंट डेजिग्नेशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।
बट फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं ये जो वैदिक आदेश है कि एक्चुअली ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये शरीर ही परमानेंट नहीं है ना। तो इसीलिए आपको जो है जब हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करते हैं तो हमको पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और फिर हम उसके हिसाब से जीने का प्रयास करते हैं। तब अभी तो हमको पता चला, तब हमको इसकी अनुभूति होती है कि अच्छा था ये एक्चुअल शरीर नहीं था, एक्चुअल शरीर तो कुछ और है। आप समझे, जो कि आध्यात्मिक है, जो कि कभी मृत्यु नहीं होता, जिसमें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होते। इस विधि को क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार या फिर सेल्फ रियलाइजेशन। इस विज्ञान को क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो इसी इस चीज को अचीव करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि आप सिंपल जीवन रखिए, और उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि हमको। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब सब लोग का अलग अलग सिंपल जीवन है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके 8 घंटा 10 घंटा काम करने से है ना, उसके सफिशियंट जीवन मान लीजिए वो करोड़ों कमा रहा है। तो इसका मतलब ये वैदिक आदेश नहीं बोल रहे हैं कि आप करोड़ों कमा रहे हो, अच्छा ठीक है उसको जमुना जी में फेंक दो। नहीं, वो समय उतना दे रहा है, उसके बाद वो भगवान की भी सेवा कर रहे हैं। आप समझ गए ना। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति है वो जो है वो भी उतना ही मेहनत करता हो, वो बेचारा 10,000 ही कमा पा रहा है या 5,000 ही कमा पा रहा है। वैदिक आदेश उसके उसके लिए ये है कि कोई बात नहीं, आप इससे संतुष्ट रहिए, और अब बचा हुआ समय किधर इन्वेस्ट कीजिए, जो है वो आपका जो मूल कार्य है उसमें, जो आपका एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी उसमें। क्यों? क्योंकि ये तो फिर भी आएगा जाएगा, लेकिन इससे जो जो आपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस अभी जितना आपने अंडरस्टैंडिंग बिठा लिया, जो आपने कर लिया, वो आपका परमानेंट एसेट है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः। आप थोड़ा सा भी आपने अचीवमेंट किया ना तो आपका रहेगा। अब कभी आप दोबारा शुरू करेंगे ना तो आप उसके नेक्स्ट से शुरू करेंगे, और 100% अचीव होगा तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो ये इसीलिए वैदिक साहित्य ये हमको सिंपल लिविंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जैसे इसमें और भी कुछ चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कई बार अपन लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं जो है मैं जो है अपनी कंडीशंस को अच्छा कर लूंगा, इम्प्रूव कर लूंगा, ये हो जाए तब मैं करूंगा। बट किसके पास गारंटी है कि उतना समय आपके पास है? कोई व्यक्ति दे सकता है कि गारंटी? नहीं दे सकता। बड़े से बड़े साइंटिस्ट कोई नहीं दे सकता, बड़े से बड़े डॉक्टर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि टाइम जो है वो किसी के हिसाब से नहीं चलता। टाइम इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण। ऐसा मैंने सुना है, कितना सत्य है मुझे नहीं पता, कि जब सिकंदर की मृत्यु होने वाली थी तो उसने रिक्वेस्ट किया था किसी वैद्य के पास जाकर कि आप मुझे कुछ समय और दे दो ताकि मैं अपने देश जाकर मरूं, लेकिन उसको उतना समय नहीं मिल पाया। तो देखिए हमारे देश में ऐसा नहीं, जैसे अभी तो बता देते, पता नहीं सिलेबस में भी पढ़ा देते, बुक्स वगैरह में पढ़ा देते हैं ना कि सोने की खोज इतनी समय हुई, तांबे की खोज इतनी समय हुई। बट ये वैदिक शास्त्र इतने पुराने, मतलब मिनिमम तो 5,000 साल आप मान के चलिए है ना, और उससे भी पुराने हैं एक्चुअली है ना। तो उसमें ऐसे कई सारे रेफरेंस आते हैं जिससे ये पता चलता है कि जिन चीजों के ऊपर आज हम विकास कर रहे हैं और जिसको हम एडवांसमेंट बोलते हैं, ये चीजें पहले भी अवेलेबल थी। उदाहरण के लिए एक श्लोक आता है सनातन गोस्वामी किसी शास्त्र का वो दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, उसमें बताते हैं यथा कांचनतम जाति कांस्यम रस विधानेना, कि जिस प्रकार से कांसे को कुछ केमिकल मैनिपुलेशन के द्वारा अगर आप मरकरी के साथ यानी पारे के साथ मिक्स करोगे है ना, उसका भी एक प्रोसेस है, टेंपरेचर प्रेशर हाँ कंट्रोल हाँ, तो वो जो है वो कन्वर्ट होके गोल्ड में बन जाएगा। ये विज्ञान अभी नहीं पता, ट्राई कर रहे हैं लोग, प्रयास कर रहे हैं, बट इट इज मेंशन्ड इन शास्त्र, शास्त्रों में लिखा गया है। अब आप बताओ अगर उस समय हमारे पास पीरियोडिक टेबल था ही नहीं, अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना,
तो पीरियोडिक टेबल नहीं था तो ये मरकरी और सोने के लिए मरकरी और कांसे के रिएक्शन की बात किधर से हो रही है बताइए। आप श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद उठाइए, उसमें नारद मुनि जब भगवान को ढूंढने निकलते हैं तो बताते कि रास्ते में किन किन वस्तुओं का खदान आया, खान आया है? उसमें देखिए सारे तत्व मौजूद हैं और श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले श्रीमद् वेद व्यास ने लिखा है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में कि इतने साल पहले हुआ है? तो ये सब चीजें ना एथिस्टिक माइंडसेट, एल्युमिनियम का ओपन कास्ट माइनिंग भंडार है, लेकिन आप अपने पूर्वज अभी भी, मतलब हम लोग के पास ये प्रिविलेज है कि आपके जैसे दादा परदादा इन सब चीजों की कुछ संपत्ति होगी, एक एल्युमिनियम का बर्तन उसमें नहीं दिखेगा क्योंकि शास्त्र आदेश नहीं देते थे। तो पहले के लोग सिंपल थे, पूरा एल्युमिनियम बिछा हुआ है, ओपन कास्ट है, मतलब ऊपर सरफेस पे मिलता है ना, फिर भी कोई उसको खोद के नहीं निकालने गया। आपको अपने दादा परदादा का तांबे का वस्तु मिलेगा, सोना मिलेगा, कांसा मिलेगा, एल्युमिनियम नहीं मिलेगा। आप समझ गए ना? शरीर से मतलब कहीं भी रहेगा तो वो शरीर को डैमेज कर देगा, आयुर्वेद से बता रहे प्रभु जी, है ना। तो ये कहने का मतलब, क्योंकि वो लोग सिंपल थे तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास विज्ञान नहीं था, बट उनको पता था कि विज्ञान को यूज किधर करना है। असल ऐसा नहीं कि सब लोग को लगा दिए तुम सड़क बनाओ, तुम बिजली बनाओ, तुम खंभा बनाओ, तुम मेट्रो बनाओ, तो व्यक्ति भक्ति कब करेगा? मतलब पहले इतना बना दो, उसको बोलते बच्चों को पढ़ाओ, है ना, बाल मजदूरी मत कराओ, बट एग्जैक्टली करा क्या रहे? बाल मजदूरी ही तो करा रहे, फ्रॉम क्लास वन दे आर डूइंग बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर, क्योंकि उस क्लास में वो सिखा क्या रहे हैं, कमाना कैसे है, हलवाई की दुकान में बच्चा क्या सीखता है, कमाना कैसे है। अगर मान लीजिए 10-20 साल वो मिठाई बनाना सीख जाए तो कभी भूखे मरेगा? आप देखो कितने इंजीनियर सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं लग रहा है, कम से कम वो स्किल भी सीख रहा था, अभी वो भी नहीं सिखाते, ऊपर से 10-20 लाख का लोन दिला देते हैं उसको और सबके सब इंजीनियर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब एडवांसमेंट, लेकिन किस बेसिस पे? एक बार प्रभुपाद से एक व्यक्ति प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद आपको ये तो मानना होगा कि हमने लाइट वगैरह के उसमें बहुत प्रगति किया है कि नहीं? प्रभुपाद ने बताया कि हाँ प्रगति किया है, बट इस लाइट का आप करते क्या हो? नाइट जॉब? लाइट का करते क्या हो? नाइट ड्यूटी? इतने सारे लोग को रात में जगा के खड़ा रहे हो, अरे रात सोने के लिए बनाता, खुद भी सोता, सोने देता। अब जहां तक भी बत्ती रोशनी की बात है, आप रेडी का तेल जला लो, घी जला लो, कुछ भी जला लो, सफिशियंट रोशनी मिलता है, शाम को थोड़ा सा बस चाहिए, सुबह सुबह जग जाइए, है कि नहीं? एनीवे ये चीजें स्टॉप नहीं होने वाली हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अब आप जितने भी लोग हैं सब लोग अपने घर बिजली के कनेक्शन कटा दीजिए, दैट इज वो संभव नहीं है। हम बस इसके माध्यम से ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक विजडम बेवकूफों का साइंस नहीं है, हमारे लिए कितना समय बचा देता है ये। मान लीजिए मैं गरीब ही हूँ, है ना, मान लीजिए मैं गरीब ही हूँ, 5000 रुपया ही कमाता हूँ या 2000 रुपया ही कमाता हूँ, कितने समय के लिए गरीब रहूंगा? अगर मैंने इसी मनुष्य जीवन में अपना अल्टीमेट लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो उसके बाद जब कोई व्यक्ति भगवान का धाम पहुंचता है या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेगा, उसके बाद क्या अमीर और क्या गरीब? तो वो तो सबसे हाईएस्ट सफलता है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, वही तो भगवान बता रहे हैं। एक बार उसको प्राप्त करने के बाद उससे बड़ा कोई फायदा है, उससे बड़ा कोई प्रॉफिट है, कोई नहीं सोच सकता, यही तो बता रहे भगवद गीता। तो क्या दिक्कत है अगर 4-5 या 10 साल 20 साल 25 साल का जिंदगी में थोड़ा गरीब ही रह लिया, थोड़ा कम ही फोन चलाया है? आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो, उसमें आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। एक्चुअली सबको बताते नहीं क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, वो इतना कभी देखे सुने नहीं। उसमें बताते आध्यात्मिक जगत में जितने लोग हैं सबका एक पर्सनल विमान होता है, सबका एक पर्सनल विमान होता है, ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं को बता रहे हैं। आप समझ, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, खैर उतना नहीं जाएंगे अपन डिटेल में। अब तो काहे का अमीर काहे का गरीब, गुरु का जो प्लेस, ऐसा ब्रह्म संहिता जो हमने पढ़ा अभी उच्चारण किया था उसमें लास्ट में कंक्लूजन बताते हैं ना कि इट इज अ प्लेस वेयर एवरी स्टेप इज डांस। लोग इतने खुश रहते हैं कि वो चलते नहीं है, उछलते हैं।
आसान ज्ञान बोलते नहीं है, गाते हैं, इतने एक्सपर्ट हैं। आसान ज्ञान सयत्र शिराब्दी श्रवती सुरभिश्च सुमहा, इस तरह से बहुत अनलिमिटेड ग्लोरी है। तो अगर अपने को थोड़ा बहुत ये सारा जीवन इन्वेस्ट करके, सारा ही है ना, इन्वेस्ट करके और अपने को इतनी बड़ी वस्तु मिल रही हो, भगवान देने को तैयार हैं, तो कौन नहीं लेगा, है ना, कोई भी ले सकता है। आप समझ गए, इसके कारण से शास्त्र बताते हैं कि सिंपल लिविंग है, हाई थिंकिंग, हमको जो है विचार उच्च रखना चाहिए, विचार उच्च ये इन द सेंस कि हमको इसका कुछ परमानेंट अचीव करना है। और आप देखिए इसके लिए क्या व्यवस्था है, भगवान ने इसके लिए सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। किसी व्यक्ति को भगवान का प्रसाद चाहिए तो उसके लिए कहीं पैसा लगता है क्या? आप किसी भी मंदिर में जाओ, भले ही वो छोटा मंदिर होगा तो मुकुंद दाना दे देगा, इलायची दाना दे देगा, है कि नहीं, और बड़ा मंदिर होगा तो जैसे इस्कॉन मंदिर होगा तो बिठा के भरपेट खिला देंगे, लेकिन कोई थोड़े ना पैसा लगता उसके लिए, है कि नहीं। एजुकेशन, जिस शिक्षा को लोग प्राप्त करते हैं उसके बाद पता नहीं कुछ सर्टेनिटी है या नहीं है जीवन में, है कि नहीं, उसके लिए लोग कितना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। और ये आध्यात्मिक शिक्षा जो कि पराविद्या के रूप में बताई गई है, हैं, ये इसको हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है ना। हम तो नहीं कह रहे कि मैं दे रहा हूँ, कभी हम लोग बोले कि मैं दे रहा हूँ, नहीं, तो हम कहाँ से देंगे, हम खुद भी खाली लोग, है कि नहीं। तो एक्चुअली इट इज अरेंज्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ, भगवान ने अरेंज किया है ये, इतनी सारी व्यवस्था भगवान ने अपने भक्तों को लगा लगा के उनके माध्यम से अरेंज किया है। आप समझ रहे हैं ना, तो ये चीजें भगवान हमारे लिए कितना व्यवस्था कर चुके हैं, हमारे लिए क्या इनिशिएटिव का जरूरत है, अब आप बताइए क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके लिए, अब आप लोगों से प्रश्न है। आप लोग भी कमेंट में लिख सकते हैं, जो ऑनलाइन वाले जितने भी भक्त लोग हैं, कि भगवान ने तो ये जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का प्रिंसिपल है और आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना है उसके लिए अपने को इतना सारा व्यवस्था कर दिया, तो हमको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके ऊपर। चलिए सब लोग कमेंट में लिखिए, आप लोग बताइए। चलिए वाल्मीकि प्रभु बताएंगे, डॉक्टर हैं, डॉक्टर वाल्मीकि प्रभु बताएंगे क्या प्रयास होना चाहिए, कैसे आप, मतलब इसमें आप समझ रहे हैं ना मेरा प्रश्न, कि आप इसमें प्रैक्टिकली हम क्या अप्लाई करेंगे। भगवान तो हमको इतना सारा दे रहे हैं, आप में से कई सारे लोग अप्लाई कर भी रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि नया ही सोच के करना है, बट हमको बताना है कि हाँ प्रभु जी हमको कम से कम इतना तो करना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड डू दिस जस्ट लाइक दैट। चलिए अब बताइए, जैसे ह्यूमन जो लाइफ मिला है, हाँ, तो उसका फुलफिल जो यूटिलाइज जो होना चाहिए, हाँ, सारी चीज जो अपना जो दैनिक जीवन करते हुए भी, हाँ, को मतलब करते हुए, हाँ, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, मतलब जैसे बेसिकली जैसे भक्तों के संग में अपन, हाँ, एसोसिएशन, इन्होंने कहा कि हम अपने बीजी समय से कुछ समय निकालेंगे भक्तों के संग के लिए, जो बात इन्होंने बोली इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। अपन जैसे हम हमेशा बोलते सबको बुलाते हैं ना, प्रभु जी आप आइए, आप इधर भेष घूमिए, प्रसाद भी देते हैं, कि नहीं, बट इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। भक्तों का ये जो संग है ना, ये इसको ऑर्डिनरी मत समझिए, साधु संग सर्व शास्त्र कहे लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक कहानी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ और उसके बाद एक दो रेफरेंस दूंगा और फिर क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। ये 10 बजे तक था ना, हाँ, है ना, 10 बजे तक था ना। तो जैसे एक बार क्या है कि जो बलि महाराज को जानते हैं आप सब लोग, जी बलि महाराज को कितने लोग कहानी सुने, ये आप सुने, कम लोग सुने, फिर से सुनाता हूँ। बलि महाराज के भाई थे तो बहुत बदमाश थे, है ना, वो लोग तो असुर दैत्य फैमिली से हैं, लेकिन कुछ लोग भक्त निकल जाते वो सीधे होते, बाकी लोग तो अपना वही होते हैं ना, तो बहुत बदमाश थे। तो क्योंकि बलि महाराज भाई थे तो उनको बहुत चिंता थी कि अरे इसका उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने जो है वो नारद मुनि को पकड़ा, है ना, नारद मुनि को पकड़ा कि देखिए इनका जो है, मैं चाहता हूँ इनका बस उद्धार हो जाए किसी तरह से। तो नारद मुनि सोचे ठीक है चलो भाई रिस्क लेके प्रचार करने चलते हैं, हमारे भक्त लोग भी रिस्क लेके कई बार घुस जाते कहीं भी, है ना, आजकल भक्त अच्छा लोग और जो है भक्त लोग जा रहे हैं कहने का मतलब, और वो
तो वो नारद मुनि उनसे गए उनके पास और उनको ये आध्यात्मिक विषय के बारे में कुछ इंस्ट्रक्ट करने का कोशिश किए। इन्हों तो बड़े भारी गुस्सा हो गए हैं और नारद मुनि को मारने दौड़े। अब समझ गए, तो नारद मुनि को लगा कि ये तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, तो नारद मुनि जो है वो भागने लगे। हाँ, भागने लगे और वो पीछे पीछे दौड़ने लगे। खूब दौड़ाए ऐसे नारद मुनि। तो दौड़ते दौड़ते जब वो थक गया, एकदम से थक गया और सांस लेने लगा, तो नारद मुनि इधर से पीछे से आ चुपके से कान में बोले, देखो तुमको अगर बस एक चीज बताता हूँ कि अगर कभी बहुत बुरा फंसो है ना, या फिर मृत्यु के समय यमराज आए तो उनसे पूछना, एक प्रश्न पूछना कि ये जो भक्त साधु संघ होता है ना, इसका क्या लाभ है, इसका एक्चुअल लाभ क्या है ना, वास्तविक लाभ क्या है। तो वो जो इतना तो उतने में वो फिर से मारने को दौड़ा, ना उन्हें भग गए इतना बोल के धीरे चुपके से। तो अब सुन लिया, उसके बाद कहाँ वो ध्यान देने वाला, तो अपना ऐसे लगा रहा। समय आ गया, समय तो सबका आता है कि नहीं। समय आने के बाद फिर कहाँ है ना, तो यमदूत आगे लेने, यमदूत यमराज आगे लेने उसको। तो जब आ गए तो वो जो है उनको बोला कि नहीं अभी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। बोले नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, इधर तो चलना पड़ेगा है ना। और उनके पास यम पास भी होता है, जो इम्पावर्ड है किसी भी व्यक्ति को शरीर से अलग करने के लिए है ना। अभी तो ज्यादा समझ में नहीं आता ना, क्योंकि बचपन से शिक्षा नहीं हुई ना। हम एक्चुअली हम बोलते भले ही एजुकेशन है, लेकिन ऐसा कोई हमको बचपन से कोई एजुकेशन मिला नहीं है। क्योंकि जिसको शास्त्र में शिक्षा बताया गया है वो ऐसा कोई भी वस्तु नहीं मिला। जैसे चाणक्य पंडित सब लोग जानते, इतने आप कह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव पर्सन है या अथॉरिटी है वो भी, एक चाणक्य पंडित है ना, उनके उपदेश आज भी लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने विद्वान के विषय में या लर्न्ड व्यक्ति के विषय में, शिक्षित व्यक्ति के विषय में कुछ बात कही है। कहते हैं मातृवत पर दारेशु पर द्रव्यु लोष्टवत। सो वेयर इज द एजुकेशन जो लोगों को ये शिक्षा प्रदान कर रहा है कि हमें प्रत्येक स्त्री को माँ के समान देखना चाहिए, है कि कोई शिक्षा प्रभु? वेयर इज द एजुकेशन विच इज टीचिंग पीपल दैट वी शुड सी एवरीवन एल्स प्रॉपर्टी एज नथिंग बट डस्ट और एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कृष्ण? नहीं, तो शिक्षा की बात ही कहाँ हुई, है कि नहीं? उस तरह से कई सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब कि ये वो जो थे वो उनको यम पास से जो उन्होंने उनको शरीर को अलग करके है ना, उनको ले जाने का प्रयास मतलब वो कर ही रहे थे, तो उनको नारद मुनि की वो बात याद आ गई। तो कई बार जैसे आप लोग पढ़ते हो, पुस्तक पढ़ते हो, इससे टीचिंग्स मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ नया हो जाएगा है ना। तो कई सारी चीजें पढ़ लेते हो लेक्चर में, कई सारी चीजें सुनते हो, भूल जाते हो ना, लगता है अरे यार इतना पढ़ते इतना सुनते क्या दिमाग में तो कुछ बैठना नहीं है, है ना। बट नहीं, एक्चुअली ये जो शास्त्रों के आदेश हैं या गुरु के द्वारा जो बोली गई बात हो, इसको ध्यान से बस सुनना चाहिए। समय आने पे वो खुद ही याद आ जाता है, उसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही समय आने पर याद आ जाता है। तो उन्होंने, उनको ये बात याद आ गई। क्या बात याद आ गई? उससे पूछना कि साधु संघ से क्या होता है, या थोड़े से समय के लिए साधु संघ करने का क्या फल मिलता है। तुम लोग, अच्छा जब मैं चलूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बस एक प्रश्न का उत्तर बता दो, क्या कि ये थोड़े से साधु संघ का क्या फल मिलता है। तो वो सोचने लगे हैं क्या मिलता है, क्योंकि ये भगवान के भक्तों का थोड़े से संघ से क्या मिलता है रिजल्ट, मतलब। तो ऐसे तो थोड़ा बहुत तो कोई भी बता देगा, बट वो भी जानना चाहते थे कि इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या है। तो उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करते, चलो चल के पूछ लेते हैं। तो उनको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि हाँ साधु संघ का तो बहुत महिमा है और पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं, तो अब इसमें क्या बताऊं कि कौन सा वाला जो है वो बेस्ट है ना, कहीं असल क्या ना, मतलब एग्जैक्टली इसका फल क्या है, तो कहीं कम ना पड़ जाए भगवान का महिमा है। तो कह के ऐसे चलो ऐसा करते शिव जी के पास चलते हैं, वो तो वैष्णव हैं। शिव जी के बारे में बताया जाता है, वैष्णवानाम यथा समूह,
कि वैष्णव में जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, चलो उन्हीं के पास चलते, वही बताएंगे। तो कौन कौन हो गए, ये बलि महाराज के भाई, और उसके बाद यमराज, ब्रह्मा जी गए किसके पास, जय श्री गौरताय भगवान की, शिव जी के पास गए। शिव जी फिर सोचने लगे कि नहीं, साधु संघ का महत्व तो है लेकिन एग्जैक्ट महत्व कैसे पता चलेगा, ऐसा करते भगवान से ही चल के पूछते। ये सब लोग किसके पास गए, भगवान के पास गए, है ना, क्षीर सागर में भगवान के पास गए। तो भगवान जो है उनको बोले है कि देखिए साधु संघ का ये महत्व है कि अगर किसी भी व्यक्ति को थोड़े से समय के लिए भी साधु संघ मिला हो, है ना, तो मेरे पास आ जाता है। तो इसीलिए ये देखिए मेरे पास आ गए ना, अब आप लोग वापस चले जाइए, है ना, जो यमराज थे उनको बोले आप भी चले जाओ, है ना, अभी ये कहीं नहीं जाने वाला, कोई इसका है ना, ये मेरे धाम में आ गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमं मम, है ना। तो इसीलिए हम जो है वो ये साधु संग इसीलिए करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये जो प्रभु जी ने बताया, और यही नहीं, अगर आप एक्चुअली थोड़ा सा समय भी हो रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि ध्रुव महाराज जब भगवान बोलते हैं ना कि ध्रुव मांगो तुम, है ना, तो पहले तो ध्रुव महाराज भी यही प्लानिंग में थे जो हमारा प्लानिंग होता है ना, सबसे बड़ा ये सब ध्रुव महाराज का प्लानिंग था कि जो मेरे दादा के भी दादा हैं, मतलब परदादा हैं, हैं ब्रह्मा जी, उनसे ही बड़ा राज्य चाहिए मेरे को। बच्चे थे तो बच्चे तो सीधे सबसे जो है वो बड़ा बोलते हैं ना, सबसे बड़ी चीज चाहिए। लेकिन जब वास्तव में उन्होंने भगवान का दर्शन किया और जब इस कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त किया, उन्होंने क्या बोला, स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न्याचे, मेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं कृतार्थ हो गया। इतने पे भी एक चीज उन्होंने मांगा, असल इतने पे भी एक चीज उन्होंने मांगा, और ये तो नहीं मांगा, हालांकि भगवान ने दिया है ना, दिया था भगवान को, ध्रुव लोग को नहीं कहा है, बट इतने पे भी भगवान से उन्होंने मांगा, इसको रिजेक्ट कर दिया भगवान ने, वो ऐसे ही दिया एज ए गिफ्ट के रूप में, बट एक और आशीर्वाद उन्होंने एक्चुअली मांगा। वो क्या मांगा, मैं एग्जैक्टली पढ़ता हूँ जो स्टेटमेंट है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज कंटिन्यूड, ओ अनलिमिटेड लॉर्ड काइंडली ब्लेस मी so that I may associate with great devotees who are engaged in your transcendental loving service constantly. मुझे उन भक्तों का संग दीजिए, उन महान भक्तों का संग दीजिए जो कि आपकी सेवा में सदैव लगे हुए रहते हैं। तो जब हम इस तरह से जैसे संडे क्लास में ही आते हैं, तो ये कौन मांग रहा है, पहले ये देखिए, इतना बड़ा व्यक्ति, पहले तो ध्रुव महाराज छोटे व्यक्ति थे ही नहीं, सबसे पहले वो राजा उत्तानपाद के बेटे थे, तो ऑलरेडी वो राजकुमार थे, ऊपर से जब वो भगवान को प्राप्त किए तो क्या ध्रुव लोक के उत्तराधिकारी हो गए, है ना, मतलब सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट, और उसके बाद जो है वो स्वयं भगवान का साक्षात्कार कर लिए, उतने पे भी वो बोल रहे नहीं मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा भक्तों का संग रखी करूं। तो ये एग्जैक्टली चीज क्या है, इसको हम कैसे समझ पाएंगे, गुलाब जामुन तो टेस्ट करने से समझ में आता है ना। तो जब तक हम इस कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे, और जितना प्राप्त किए उतना ही समझ पाएंगे। अब सुनिए, तो लॉजिक के द्वारा बस अपन इंडिकेट कर सकते हैं, गुरु एंड शास्त्र दे ओनली इंडिकेट अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ कि ये इस तरह से ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रयास किसको करना होगा, हम सबको, ये तो आपका अपना प्लेन है, आपको खुद को उड़ाना है। इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते थे एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन, अपना जहाज खुद उड़ाना। प्रहलाद महाराज भी जो है वो इसी तरह से भक्तों का संग मांगते हैं। और अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे ना, भरा पड़ा है, पूरा का पूरा शास्त्र जो है वो भरा पड़ा है, कितने एग्जाम्पल और वो बताऊं मैं, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है अपने जीवन को कम से कम इतना तो सिंपल कर लेते हैं कि भक्तों के साथ, है ना, संग करने का या भक्तों के साथ भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है, दैट्स ऑल, इतना तो सिंपल कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी अपन जितना डिस्कस किया उतना नहीं कर सकते, दत्ती बिझा दो और सारा, है ना, नहीं जो है वो इमीडिएटली आप किसी भी कल्चर में चेंज नहीं कर सकते। That is why Shri Prabhupada, उन्होंने क्या हमें इंस्ट्रक्शन दिया,
उन्होंने थोड़े ना ये सब इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने बोला कि आप भगवान के नाम का चैंटिंग कीजिए, है कि नहीं। तो इतना आप अपने जीवन को सरल बनाइए कि जो आचार्य ने जो उन्होंने प्रभुपाद ने तो ज्यादा नहीं बोला, हम कोशिश करें कि हम भगवान के नाम का जप करें। और भगवान का नाम का जप करते करते जब आपके जीवन की चीजें सेटल होने लगे तो आप उस जप को जो आइडियल स्टैंडर्ड है, क्या है स्टैंडर्ड, क्या है स्टैंडर्ड बताइए कोई, 16 राउंड वहां तक ले जाइए। जब हो जाए तो शुरू में कम है तो कम कीजिए, 2-4 जितना भी आप लोग करते कीजिए, है कि नहीं। लेकिन ग्रेजुअली वी हैव टू, है ना, हमको ऐसा माइंड मेकअप करना है कि वहां तक पहुंच जाना है और भक्तों का संग करना है। तो जितना भी आप ये कर सको, है ना, एक्चुअली दिस इज हाई थिंकिंग, है ना। तो इससे जो हमको वस्तु प्राप्त होगी वो स्वयं ही बहुत बड़ी है और संतुष्टि प्रदान करने वाली है, ठीक है। तो आज जो है वो अपन इतना ही, मैं इतना ही बोलूंगा। और आप लोग का अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग, तब तक भगवान को भोग भी लग रहा है, उसके बाद प्रसाद भी बैठ के खाएंगे, तो आप लोग अगर कुछ और पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं या कोई अच्छी चीज लगी बताना चाहते हैं, ऑनलाइन भी अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बताइए, है किसी का कोई प्रश्न जी? जो जो आपने अभी माला एक राउंड पर बताया, हाँ, स्टैंडर्ड वो 16 राउंड ही क्यों करना रहता है, वो हाँ, ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? हाँ, नहीं, ज्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। 16 की चीजें कुछ, हाँ, 16 का स्टैंडर्ड क्या, हाँ, हाँ, जैसे जो आचार्य लोग आते हैं ना, तो एक्चुअली ये 16 नहीं था, आप समझ गए ना। जैसे आप देखो कितने भी धर्म होते हैं, जैसे आप देखो जो इस्लाम जो लोग फॉलो करते हैं उनके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, कि मिनिमम 5 बार नमाज पढ़ना है। कुछ लोग जो सेकेंड इनिशिएटेड होते हैं वो मिनिमम 3 बार गायत्री करते हैं, है ना। इधर अलग अलग चीजों में स्टैंडर्ड हुआ करता है ना। तो एक्चुअली जो आचार्य होते हैं वो इतने विजनरी होते हैं कि उनको ये पता रहता है कि इतना करने से, है ना, ये व्यक्ति जो है वो पास हो जाएगा, अपन ऐसे समझ सकते हैं इसको। अच्छा, तो एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड था 64 माला का, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई बुलाता था ना तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि मैं ना केवल लखपति के यहाँ जाऊंगा। अच्छा, लखपति मीन्स वो पैसा वाला नहीं, लखपति मतलब जो भगवान का 1 लाख नाम लेता हो, मैं केवल उसके पास जाऊंगा, आप समझ गए ना। जैसे सन्यासी थे ना तो कोई प्रसाद के लिए आमंत्रित करता था या इस प्रकार से, तो ऐसा बोलते थे। लेकिन जो है बाद में जैसे श्री प्रभुपाद ने भी शुरू में इंस्ट्रक्शन दिया था, और भक्ति सिद्धार्थ महाराज जो कि प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, उन्होंने देखा कि बाद में जो है भक्त लोग और भी समय भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो कि और भी उतना समय नहीं दे सकते, तो उस स्टैंडर्ड को जो है वो फिक्स करते हैं जितने में कि वो पर्पस पूरा हो जाए, आप समझ गए ना। तो प्रभुपाद ने पहले 64 बोला था तो उन्होंने देखा कि नहीं कर पाए भक्त लोग, तो फिर उन्होंने 32 कर दिया, तो 32 भी नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने 16 बोला और बोला कि इससे कम नहीं। तो इससे क्या होता है कि ऑलमोस्ट 2 घंटा हम भगवान का उसमें लगाते हैं। तो उनका ये कैलकुलेशन है अनुभव के आधार पे कि इससे करने से ग्रेजुअली ये इसी लाइफ में, प्रभुपाद ने इसके पीछे फिर वरदान भी दिया, आप कह सकते हैं कि आशीर्वाद भी दिया कि इफ यू फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड चैंट 16 राउंड्स देन यू विल गो बैक टू गॉडहेड इन दिस लाइफ ओनली, इसी जीवन में आपको ऐसा कहीं भी, इवन भगवत गीता में भी ये वरदान नहीं मिलेगा। हाँ, मैं अभी भगवत गीता का जो है वो 6th अध्याय खोलिए, उसमें देखेंगे भगवान कह रहे हैं बहुत जन्मों के बाद वो सिद्धि प्राप्त करके जो है वो भगवत धाम प्रवेश करते, उसमें लिखा हुआ है असन 6th अध्याय में ऐसा है। वो जो श्लोक आता है ना, अथवा योगी नाम एवे कुले भवती धीमता, है उसके बाद का पढ़ेंगे। तो ये लेकिन जो आचार्य लोग हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के बड़े भक्त होते हैं, भगवान उनकी बात को जो है वो नहीं डालते, आप समझ गए ना। तो इस तरह से उन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद ने बोला इसे ज्यादा नहीं कर सकते, या इसका ये भी मतलब कि नहीं कि प्रभुपाद ने बोला कि आप इसे कम नहीं कर सकते, है ना। कम करेंगे वो भी एक प्रोग्रेस है, आप समझ गए ना। कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे करोड़पति नहीं हो जाता, आप समझ गए ना। कोई व्यक्ति अगर वो पैसा कमाना शुरू है तो धीरे धीरे करोड़पति होगा, और अगर तो इस तरह से है, आप समझ गए ना। तो उसमें कई सारे लोग हैं, कई लोग हैं वो आप हम देखते हैं कि वो जो है आते हैं और अगले दिन से 16 माला। अब इसको कैसे समझा जाए, उनका पहले का भक्ति है,
उनको उसमें उतना मन भी लगता है, उनका टाइम सब मैनेज हो जाता है, और कुछ लोग को समय लगता है, तो उनको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट सोचना चाहिए, है ना। बट ये हमारा प्रयास रहने की हम बेस्ट कर सके, संभव हो तो हम उतना कर सके, नहीं ग्रेजुअली जाएंगे। इसमें कोई डिस्करेजमेंट नहीं है, ये ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई फेल ही नहीं होता, आप समझ गए। तो फिर इसमें बड़े और छोटा होने की बात नहीं, भगवान तो किसी को बड़ा छोटा देखते नहीं है, आप समझ गए। ऐसा नहीं कि जो 16 माला कर रहा है वो सुपीरियर हो गया और जो 8 माला कर रहा है वो जूनियर हो गया, ऐसा नहीं है। इस एंगल से तो देखना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात, आप समझ गए ना। वो तो सबका अपना अपना रेस है ना, जैसे जैसे आप देखो, आपने गिलहरी की कथा सुनी होगी जिसको राम जी अप्रिशिएट करते हैं ना, जो कि थोड़ा सा डस्ट ही उसमें, लेकिन क्योंकि वो अपना दे रही थी, आप समझ गए ना, वो अपना जो है वो 100% दे रही थी, 200% दे रही थी। कोई व्यक्ति बहुत व्यस्त है और उसकी स्थिति है कि वो तुरंत सब कुछ नहीं छोड़ सकता, आप समझ गए, तो कैसे आप उसको आप छोड़ो छोड़ो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, है ना। तो वो जो है वो ग्रेजुअली करेगा, उसने स्वीकार कर लिया इस नॉलेज को। अगर कोई केवल एग्री कर लेता हाँ प्रभु जी मैं करूंगा और नहीं कर पा रहा है, ये भगवान बहुत अप्रिशिएट करते केवल एग्री करने से, आप समझ। अदरवाइज जब नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी प्रचार करने जाते थे, थोड़े ना लोग को ये बोलते थे कि आप 16 माला करो, है ना, वो तो बोलते थे कि बस आप भगवान का नाम लेना शुरू करो। लेकिन आचार्य लोग जो है वो चीजों को सिंपल बना देते हैं, इन द सेंस उन्होंने गोल सेट कर दिया, देखो आप यहाँ हो ना, आपको यहाँ पहुंचना है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ गाइड, या नहीं तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, तो एक नाम लेके भी भगवान का काम चलता है, तो बाकी दिन हम उत्पात मचाएंगे, एक नाम लेंगे, आप समझ गए ना। बट नो, उन्होंने आपको बताया कि नहीं ये ठीक है आप अभी करो, बट देखो ये गोल है आपका, आप समझ गए ना, इसके बाद आपका कृष्ण भावनामृत जो है वो ग्रेजुअली स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे भी जिज्ञासा करना चाहिए, एक्चुअली ये पूरा नहीं है, उसके बाद जिज्ञासा करके अब मैं करने लगा तो अब मैं कैसे करूं, देन देयर इज अ मैनुअल, है ना, उसमें भक्ति सामवेद सिंधु में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है ना, आदो गुरु पदाश्रय, उसके बाद क्या क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल में ए टू जेड जो है वो कैसे फर्स्ट क्लास से लेके जो इसका लास्ट एंड है ना, वो सब वो किया गया है, कब आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा, कब आपको भगवान का साक्षात्कार होगा, ये सब लिखा गया प्रभु शास्त्रों में, ठीक है, क्लियर, समझ गए ना। तो ये आचार्यों के एक्सपर्ट कैलकुलेशन के हिसाब से है, और कई बार भगवान देते हैं स्टैंडर्ड्स, है ना, जैसे भगवान उद्धव जी को दे रहे हैं, या फिर ऐसे कई बार भगवान भी स्टैंडर्ड देते हैं, ठीक है ना। जैसे उसके बारे में बताया जाता है जो मुसलमान लोग हैं ना, उनको भगवान ने स्वयं दिया है ऐसा कुछ स्टैंडर्ड, कुछ कुछ जगहों पे ऐसे बताते हैं कि वो भगवान, पहले भगवान ने 50 बोला था तो नहीं कर पाया, तो फिर उसको कम किया 40, 30, 20 ऐसे करके, सो ऐसे 5 किया, है ना। एनीवे, बट मुझे नहीं पता कितना प्रामाणिक है, बट मे बी मैं सुना हूँ कुछ कुछ लोगों से, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पे आज की कक्षा समाप्त करते हैं, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।